Rather than telling them how to live their life, we have to first enter their life. माने हमें सुनना चाहिए कि उनकी जिंदगी की कहानी क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में. तो क्वेश्चंस पूछिए. अगर आपको एक फिल्म स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते उनके उनकी कहानी से, आपने उनकी कहानी को पूरी तरह नहीं समझे. सबको यहाँ पर मूवी तो अच्छा लगता होगा, मैं ऐसे ही सोच लेती हूँ क्योंकि सब हम बॉलीवुड वाले हैं. तो अगर आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, आपने उनकी जिंदगी की कहानी नहीं समझ आई. लुक फॉर द स्मॉल मूवमेंट. थोड़ा मूवमेंट बहुत नहीं होते, थोड़ा सा होने से बहुत फर्क आ जाता है. हेल्प पीपल क्रिएट कम्युनिटी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप नोटिस करिए कि आपका कहाँ लग रहा है, आपके बदन में, आपके चेस्ट में, आपके दिल में कहाँ धड़क रहा है जब आप किसी की स्टोरी सुनते हैं. और आप उसको ब्लॉक ना करिए और उसको खोलिए. उसको एज ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग गेट इन कनेक्शन विद दैट. अभी वो स्टाइल है उसमें, बट Noji taught us one way to connect with that. She did it with us, अपने साथ. वो जो आपने recording मिलेगा वो आप अपने साथ कर सकते हैं, पर उसी हिसाब से आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं. And that is the way you welcome someone else's suffering. उनका जो pain है, उनका जो डर है, जो गुस्सा है, जो फिकर है, उसको पूछे तुम क्यों हो यहाँ पर, क्या सुनना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो. सो मोर लिसनिंग, लेस टॉकिंग. आई विल स्टॉप ऑन दैट नोट. अच्छा, अब बताइए कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई एम टॉकिंग टू यू एज अ हेल्पर, एज अ पर्सन हु विल बी इन कॉन्वर्सेशन विद दीज पीपल. थैंक यू सो मच. या गो अहेड, थिंकिंग गो. आप लोगों को कोई भी अपने प्रश्न रखने हो मैम से, मैम दोनों यहाँ पे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं. एक्सक्यूज मी मैम, बताइए. नहीं मैम, हेलो. हाँ सर, बोलिए मामा. मैम आवाज आ रही मेरी आप जी? थोड़ी थोड़ी आ रही है, बताइए. आ रही है? हाँ जी. ओके जी, आजकल हम लॉकडाउन है, आपको पता ही है, तो बच्चे घर में ही रहते हैं और बेटा है ना छोटा 8 साल का, तो कुछ ना कुछ खाने को उसको मांगता रहता है, लेकिन थोड़ा सा ना मोटापा हो रहा उसका, तो कोई सलूशन आपसे मिल जाता तो अच्छा था. तो आप बताइए कि क्या टाइप ऑफ खाना हुआ उसको अच्छा लगता है. जी खाना तो उसको ऐसे सारा ही अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी दो, चाहे अपने वहाँ का फूड आइटम दो उत्तराखंड का, चाहे फिर पिज्जा बर्गर ये दो. लेकिन पिज्जा बर्गर होता अभी अलाव हो नहीं रखा है पिछले साल से, दाल रोटी चावल सब्जी ये चीज. पर पता नहीं इतना जल्दी ना मतलब फूल कैसे रहा, थोड़ा सा लगा मुझे कि वो ज़्यादा हैवी हो रहा, तो फिर अभी से कंट्रोल करना शुरू करें तो अच्छा होता है ना, बाद में फिर नहीं हो पाता है. तो आपकी जो नजर से देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया है कि आप बोल रहे हैं कि अच्छा ज्यादा वेट हो रहा है, पर ये भी सोचना पूछना पड़ेगा कि उसका उम्र क्या है. हाँ जी, 8 साल का है मैम. 8 साल का है. हाँ, सो उसके हिसाब से, क्योंकि हम अभी क्वारंटाइन में हैं, घर में हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो ज्यादा नहीं कर सकते, जाकर खेलना वेलना बाहर तो होता नहीं है. जी घर पे कराती हूँ मैम. सो बस उसको करवाते रहिए. जी मैम, वो मेरे को तो लग ही नहीं रहा है कि उसका कोई वो हो रहा है, उसको मतलब फायदा हो रहा है करके ना, जैसे घर पे सुबह योगा वो कराती हूँ और कर ही लेता है, रस्सी कूद सारी चीजें करता है, लेकिन अब वो बच्चा है ना मानता भी नहीं. अब
बच्चों को ये भी नहीं बोल सकते कि ये चीज नहीं खानी है, कम खाओ। अब रोटी चावल ही तो ज्यादा यही पॉसिबल है, अभी लॉकडाउन में बाहर के फूड आइटम तो लाते नहीं है, बट फिर भी ना लगता है बार बार टोकना भी जरा अजीब सा लगता है बच्चों को। तो कोई बिना आपके बच्चे के साथ बात करे मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि उसके साथ क्या